के बाद आ रहा है अगले हफ्ते राम सेतु का पहला सॉन्ग बोलो जय श्री राम। इस साल कई फिल्मों में नजर आ चुके अक्षय कुमार की अब भी कई फिल्में लाइनअप में हैं, जिसमें से एक है उनकी बहु आशी फिल्म राम सेतु। राम सेतु एक आर्कियोलॉजिस्ट पर बेस्ड फिल्म है जिसमें अक्षय कुमार इस रोल को प्ले करेंगे। अभिषेक शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का अभी कुछ दिनों पहले ही ट्रेलर आया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद भी किया था। अब अक्षय की इसी फिल्म से इसका पहला सॉन्ग रिलीज किया जाने वाला है। जी हाँ, और ये गाना अगले हफ्ते में आएगा और राम सेतु के इस पहले सॉन्ग का टाइटल बोलो जय श्री राम होगा। आपको बता दें कि बोलो जय श्री राम ये अक्षय कुमार की ही फिल्म भूल भुलैया का हरे राम हरे कृष्णा या लक्ष्मी बम का बम बोले सॉन्ग जैसा ही एक एंटरटेनिंग सॉन्ग होगा। इस एंटरटेनिंग गाने को विक्रम मोंट्रोस ने गाया है और उन्होंने ही इसे कंपोज भी किया है। विक्रम मोंट्रोस 2018 के उनके सॉन्ग कर हर मैदान फतेह, नॉक नॉक तेरा बाप आया जैसे सॉन्ग्स के लिए जाने जाते हैं। फिल्म से जुड़ी कुछ और एक्साइटिंग खबर बता दे तो आज राम सेतु फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ट्रेलर को लोगों से अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं। 2 मिनट 9 सेकंड के इस ट्रेलर में जबरदस्त एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिल रहा है। ट्रेलर में वो केस भी दिखाया गया है जिसमें राम सेतु को तोड़ने की मांग सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से की है। बता दें कि राम सेतु 24 अक्टूबर 2022 को दीपावली के मौके पर सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है, वहीं अरुणा भाटिया, लाइका प्रोडक्शन और विक्रम मनोत्रा द्वारा संयुक्त रूप से इसे प्रोड्यूस किया गया है। अक्षय के साथ इस फिल्म में जैकलिन फर्नांडिस और नुसरत भरूचा भी दिखाई देंगी। बता दें कि अक्षय कुमार की राम सेतु चौथी फिल्म है। इससे पहले की तीनों फिल्में सिनेमा घरों में बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, जिस वजह से लोगों की और अक्षय कुमार की एक्सपेक्टेशन इस फिल्म से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। 2022 में OTT पर भी एक फिल्म रिलीज हुई जिसे लोगों से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था।